everyone, assalamu alaikum. This is me, Shahram Akram, and I'm here with the episode 4 of RD3 Daily. Guys, with all this coronavirus and COVID-19 situation, आपको पता है कि पूरे मुल्क में जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और कहीं कहीं पर तो कर्फ्यू भी लगा हुआ है। लोग इस चीज का एहतराम नहीं करे और वो फिर भी घरों से बाहर आ रहे हैं और हमारे फोर्सेस उनको डंडे मार मार के तो घरों में वापस भेज रहे हैं। हम इनकी वीडियोस बना रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं और हम आगे शेयर कर रहे हैं और उनके ऊपर हंस रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा हो रहा है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और हा 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरे सिचुएशन का एनालाइज करते हुए मैंने तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की और वो ये कि एक तो हम दूसरों को तकलीफ में देख कर खुश होते हैं, दूसरा हमने मेंटल स्लेवरी को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, इट्स ओके टू बी स्लेव्स If there is power involved. And तीसरा मैंने ये भी नोट किया कि हमें हर एक चीज़ में डंडे की ज़रूरत है, हमें डंडे मारने की ज़रूरत है। कोई भी ये सवाल नहीं उठा रहा कि भाई ये कानून में कहाँ पर इजाज़त है कि एक वर्दी पहना बंदा वो आके तो आपको डंडे मारे और आपको घरों में वापस भेजे। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनको पता है कि यार लोग हम अगर इनको डंडे मारेंगे तो लोग खुश होंगे और वो इनको सोशल मीडिया के ऊपर डाल के तो दाद भी देंगे, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इमेजिन करें कि आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हो, किसी भी ज़रूरी काम से जा रहे हो, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो और आप घर से निकल आएँ और आपको रास्ते में एक सिपाही रोके, आपको निकाले और आप दोनों को मुर्गा बनाएं, अपने बच्चे के सामने आपको मुर्गा बनाएं, आपको कैसा लगेगा? या आपके सामने आपके वालिद को मुर्गा बनाएं, उसको डंडे मारें, आपको कैसे लगेगा? हम में एम्पथी नाम की तो कोई चीज़ नहीं। एम्पथी कहते हैं पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये शूज़ का स्पेसिफिकली इसलिए कहा गया कि जब आप किसी के शूज़ में जाके खड़े होते हैं तो आप बिल्कुल 100% उसकी पोजीशन पे आके तो आप सोचते हैं, तो आप दूसरे बंदे की पोजीशन पे जाके सोचें कि यार जो बंदा ये मुर्गा बना हुआ है साथ में, उसके दो यंग बंदे हैं और एक बड़े एज का बंदा है, ये अगर मुर्गा बने हुए हैं और सिपाही उनको मार रहा है, वट इफ़ आई वॉज इन द सेम सिचुएशन, वुड आई स्टिल बी लाफिंग? Would I still be okay with the people laughing at me and making my video and putting it on social media? इसका solution यही है कि हम empathy develop करें, हम वो ability develop करें कि यार हम किसी और के perspective से भी सोच सकें, अपने आप को किसी और के जगह रख के तो उसके angle से, उसके perspective से चीज़ों को देख सकें, ताकि हम में compassion develop हो, ताकि हम में वो दर्द develop हो कि अगर उसको तकलीफ हो रही है तो मुझे भी तकलीफ हो, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि यार कानून में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है कि कोई डंडा उठा के तो दूसरे को मारता फिरे। कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को एजुकेट एंड अवेयर करना चाहिए और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। Guys, this was today's RT3 episode 4. I'm gonna see you tomorrow with another RT3.